मुझे हम पिछले साल बीमारी हुआ किडनी का, तो मैं दांता में टेस्ट कराने के लिए गई वहाँ। वहाँ गई तो डॉक्टर बोला कि आपका 80% डैमेज हो चुका है, आप डायलिसिस पर जाएं या आप ट्रांसप्लांट के लिए सोचें, दो आपके पास तो ऑप्शन है। तो हमको तो लगा कि शौक हो गया, हम एकदम अजीब लगा हमको। फिर हम कहे कि अच्छा ठीक है, अपने आप को संभाले। फिर उसके बाद फिर आए बाहर में, तो ये समझाए कि चलो कोई बात नहीं है, हम है ना, देखेंगे जैसा होगा वैसा किया जाएगा। और उसके बाद फिर हम उसको फिसला बनाने के लिए बोला, हमको आके बनवा लीजिए, आपको वहाँ डायलिसिस की जरूरत है, यहाँ नहीं कराएंगे, हमको पटना जाके कराना है। फिर हम पटना आए तो फिर पता चला कि आयुर्वेदिक दवा से ठीक होता है किडनी। तो दो चार आयुर्वेदिक दवा इधर उधर से खाते रहे, लेकिन हमको कोई फायदा नज़र नहीं आया। तो फिर थोड़ा सा डिप्रेस्ड होने लगे अंदर अंदर। तो फिर एक मेरी फ्रेंड बोली कि एक IAS हैं, SM राजू, वो अपने पापा को ठीक किए हैं, और पापा का किडनी ठीक है, वो डायलिसिस पर थे, और उसके बाद उन्होंने ठीक किया और अपने आप को भी ठीक किया। तो उनका भी गठिया को कोई प्रॉब्लम था, बेटा को ब्लड कैंसर था, वो ठीक किए। हमको अच्छा, तो हमसे हमको मिलवाओ उनसे, तो बोली कि सो हाँ क्यों नहीं, सो टाइम लेके हम तुमको बताएंगे। तो बेचारी टाइम लेके हमको बताई, और हमको बताने के बाद हम फिर सर हमको दिए, टाइम दिए। उसके बाद फिर हम आए तो सर ने हमको 3 बोतल दवा दिया। उसके बाद हम दवा पीने के बाद 15 दिन के बाद मेरा एल्बुमिन जो होता है, जो प्रोटीन निकलता है यूरिन से, वो मेरा बहुत कम हो गया, और +2 था उसमें, +1 आ गया। तो मेरा बेटा डॉक्टर था, तो वो बोला कि सो बाप रे, तो 7वां आश्चर्य है, कैसे हो गया भाई, एकदम आश्चर्य से देखने लगा रिपोर्ट को। तो बहुत बड़ा, तो हम सर से जरा सा मिलेंगे। तो सर से मिला, आके बात किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, सो हम भी आश्चर्य में है, सो कैसे ऐसा हो गया। तो उसके बाद फिर हम खाने लगे, तो फिर मेरा यूरिन भी पहले खुल के नहीं आता था, उसके बाद खुल कर आने लगा यूरिन, यूरिन खुल के आने लगा। उसके बाद भूख लगने लगी, खूब अच्छा से खाना खा लिए, खाना खाने लगे। अभी राजू सर ने जो भी चैट बताया था उसको मैंने फॉलो किया, अच्छा से खूब अच्छा से खाया, और अभी 3-4 महीना दवा लेते हो गया है। मेरा 6 क्रेटिन था, 6 क्रेटिन से अभी 3 पर आया हुआ है 4 महीना में। और उसके बाद अभी ये तो नॉर्मल रूटीन जैसे खाते पीते थे उस तरह खा पी रहे हैं, और अच्छा से रह रहे हैं अपना, और कोई हम कभी कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। और हम इसके लिए तो राजू सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैंने हमको स्वास्थ्य ठीक किए, और लोगों करें, इनके हाथ में पूरा जस हो और सबको ठीक करें, भगवान से ही मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद सर।